मैथ शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम देखेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुजी स्टडी में। मैं आपके लिए डेली मैथ शॉर्ट ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं एक क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा 1/√4 + √5, 1+1/√5 + √6, +1/6 + √7, +1/7 + √8, +1/8 + √9। तो इस क्वेश्चन की जो विशेषता है, जो भी ट्रिक्स अप्लाई होती है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है कि किस क्वेश्चन में वो ट्रिक अप्लाई होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म है वो इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। सेम ये √6 इसमें लास्ट टर्म है, वो इसमें फर्स्ट टर्म बन रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली आंख बंद करके सबसे पहले लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना है। तो लास्ट टर्म है आपका √9 और फर्स्ट टर्म है आपका √4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, √9 की वैल्यू 3 और इसकी 2, तो 3 - 2 = 1। आपको सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन करना। अब हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में है 1/√2 + √3। वही जो लास्ट टर्म होगा ये वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन जाएगा √3 + √4, और इसको हम आगे सो ऑन 1/√99 + √100 तक आगे कैरी करते हैं। तो इसमें भी वही करना है आपको, जस्ट सिंपली लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हो गया आपका √100 और फर्स्ट टर्म है आपका 1 - 1, तो √100 की वैल्यू, अंडर √100 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 - 1, तो इसका आंसर हो गया आपका 9। तो जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आप सिंपली आंसर कर सकते, निकाल सकते हो। और इसको ही अगर आप लॉन्ग जो मेथड होते हैं उससे करना चाहो तो पहले आपको इसका परिमेयकरण करके अंश और हर की वैल्यू निकाल के बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपको 2-3 मिनट का टाइम तो चाहिए चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।